राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पालमपुर इकाई ने विजयदशमी पर्व पर पथ संचलन का आयोजन किया। आयोजन में जिला की 8 इकाइयों के करीबन 200 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सभी कार्यकर्ताओं ने नगर में पथ संचलन करते हुए अनुशासन और संयम का प्रदर्शन किया। इससे पूर्व स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए विभाग कार्यवाहक कांडवा विपिन ने कहा कि विजयदशमी पर्व पर जो मानसिक बल एक कार्यकर्ता को चाहिए वह शास्त्रों के पूजन से मिलता है। राष्ट्रीय को एक रखने का कार्य संघ कर रहा है। देश से लगाव होना चाहिए, सब में सामाजिक समरसता आवश्यक है। संघ ने जो कार्य अपने हाथों में लिया है उसे पूर्ण किया है। उन्होंने बताया कि देश में जब भी कोई आपदा या युद्ध की स्थिति हुई उस दौरान स्वयं सेवक आगे आए और पूरी तन्मयता से निस्वार्थ भाव से अपना योगदान तन मन धन से दिया। आयोजन में जिला संचालक डॉक्टर जगतार गुलेरिया, जिला कार्यवाहक डॉक्टर नरेंद्र संख्यान, सह जिला कार्यवाह सत्य प्रकाश, जिला प्रचारक टीकम राम विशेष तौर पर मौजूद रहे। मैं हूं कि संघ का जो सहयोग संघ ने किया इसीलिए विशेष रूप से आमंत्रित किया, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो जब कभी भी आवश्यकता आन पड़ी इस शाखा के माध्यम से निकलने वाले लोगों ने देश समाज को जब भी कभी आवश्यकता आन पड़ी, 65 का युद्ध हो, दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था संभालनी हो, संघ के स्वयंसेवकों ने वो ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। जब कभी भी देश के भीतर कोई आपदा आई, विपत्ति आई, तो संघ का स्वयंसेवक हमेशा तैयार आपको मिलता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी आवश्यकता आन पड़ती है इस शाखा की पद्धति से निकला हुआ व्यक्ति, इस साधना की पद्धति से निकला हुआ व्यक्ति वो हर क्षेत्र में पूरी तन्मयता से काम कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी और काम करना है, काम कठिन है, लेकिन हम सब मिलकर के जब प्रयास करेंगे, दुनिया संघ की तरफ एक आशा भरी नजर से देख रही है कि संघ क्या सोचता है इस बारे में। उज्जवल हिमाचल के लिए पालमपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।